हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 98। तो देखते हैं इसमें पजल का गिवन है। ओके, तो ये आपके पास पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, तो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 11 पर्सन वर सिटिंग अराउंड द टू टेबल्स। ओके, वन ऑफ दीज टू टेबल्स इज ट्रेंगुलर इन शेप, हैविंग 5 सीट्स, टू ऑन द साइड्स एंड रेस्ट आर एट द कॉर्नर्स। ओके, while the other table is circular in shape which inscribes the triangular table and have 6 seats equidistant from each other such that 5 of the 6 seats faces the seats of the triangular table। okay, usne abhi tak hame kya bataya ki total aapke paas 11 person hai, theek hai, jo ki kis pe baithe hue hain, do tables par baithe hue hain। ek table aapke paas kya hai, triangular hai, जिसमें 5 सीट्स हैं, ठीक है। तीन आपके पास कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, और दो आपके पास कहाँ हैं, वो साइड्स पर हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने ये बोला कि एक आपके पास सर्कुलर टेबल है जो कि इसको इंस्क्राइब करी हुई है, इस ट्रायंगुलर टेबल को, ठीक है। और इसमें आपके पास 6 सीट्स हैं जिसमें से 5 सीट्स ट्रायंगुलर सीट्स को क्या कर रही है, फेस कर रही है। मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक आपके पास यहाँ पर होगी क्योंकि ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद पर्सन सिटिंग एट द ट्रायंगुलर सीट्स फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड पर्सन सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, उसने बोला कि वो पर्सन जो कि ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, और वो पर्सन जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ईच पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ चॉक्स इन मल्टीपल ऑफ 4 बट डज नॉट एक्सीड्स 96। ओके, हर एक पर्सन के पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ चॉक्स हैं, फाइन, जो कि 4 के मल्टीपल में है लेकिन वो 96 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में, ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो ये तो मैंने पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ले ली हैं, ठीक है, थीके? इन पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। एक लाइन उसने और बोली थी, यहाँ पर नोट दिया था क्या कि पर्सन सिटिंग ऑन द सेम टेबल डू नॉट फेसेस ईच अदर। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें जैसे कि सर्कुलर टेबल का, ये सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, तो इसमें हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि ये पर्सन इस पर्सन को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन फेस कर रहे होंगे, ये पर्सन इस पर्सन को फेस कर रहा है, ये पर्सन इस पर्सन को फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, और ये इसको फेस कर रहा है, बस सिंपल हम इतनी चीज़ें रखेंगे, ठीक, समझ में आया ना। चलिए अब लोग हम कंडीशंस लिखते हैं इसमें। ओके, तो ये काम करते हैं, हम यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं। उसने हमें क्या बताया कि आपके पास बी वॉज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिस द पर्सन हैविंग 20 चॉक्स हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी। ओके, उसने बोला कि पी कहाँ पर बैठा है, पी बैठा है सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट उस पर्सन से, ठीक है, जो कि फेस किसको कर रहा है, उस पर्सन को फेस कर रहा है जिसके पास क्या है, 20 चॉक्स है, ठीक है। और ये पर्सन किसके पास नहीं बैठा हुआ, सी के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एच वॉज फेसिंग द पर्सन हैविंग हाफ एज मैनी चॉक्स एस एच हैज। ओके, उसने लगा एच किसको फेस कर रहा है, एच उस पर्सन को फेस कर रहा है जिसके पास चॉक्स कितनी है, एच की हाफ है, ठीक। उसके बाद सी वॉज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु हैव द लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स। ओके, उसने बोला कि सी कहाँ पर है, वो सेकेंड टू द राइट है किससे, ई से, सी सेकेंड टू द राइट है किससे, ई से, ठीक है, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स हैं। इसके पास क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स हैं, ठीक है। फिर उसने बोला कि नंबर ऑफ चॉक्स विद जी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी हु सिट्स नेबरिंग द पर्सन फेसिंग द पर्सन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स। उसने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ चॉक्स है किसके पास, जी के पास, वो ट्वाइस है किससे, बी से, ठीक है। और बी कहाँ पर बैठा है, बी सिट्स नेबरिंग द पर्सन, बी उस पर्सन के पास बैठा हुआ है जो कि फेस किसको कर रहा है, उस पर्सन को जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स है। हम जानते हैं किसके पास लीस्ट नंबर चॉक है, ई के पास, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर बी आ हो सकता है, ये पर्सन इसके ऑपोजिट कौन होगा, ई होगा, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
उसके बाद उसने क्या बोला कि के सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द सीट विच डज नॉट फेसेस एनी सीट. ओके, उसने बोला कि कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है उस सीट से जो कि किसी को फेस नहीं कर रहा है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो सीट तो ये है ना, ये किसी को भी फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब के कहाँ पर होगा, के यहाँ पर होगा, हमें कन्फर्म हो गया. इधर भी बना लेते हैं, के कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये हमें कन्फर्म हो गया. ठीक है, उसके बाद पर्सन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ चॉक्स फेसिस द पर्सन हैविंग हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स. ओके, वो पर्सन जिसके पास लीस्ट नंबर चॉक है, मतलब क्या ई, वो फेस किसको कर रहा है, जिसके पास हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स है. ठीक है, उसके बाद एफ हैज ट्वाइस एज मैनी चॉक्स एज डी हु हैव थ्राइस एज मैनी चॉक्स एज डी. ओके, उसने बोला कि एफ, उसके पास कितनी चॉक्स हैं, ट्वाइस हैं किससे, डी से, और डी के पास कितनी है, थ्राइस हैं किससे, जी से. ठीक है, उसके बाद नीदर ई नॉर सी सिट्स एट दी कॉर्नर. ओके, ना ही ई और ना ही सी कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर पर बैठे हुए हैं. फाइन, उसके बाद नो वन हैज 40 चॉक्स, किसी के पास भी 40 चॉक्स नहीं है. ओके, उसके बाद एच डू नॉट सिट नेक्स्ट टू के. ओके, एच के के पास नहीं है. फाइन, उसके बाद पर्सन हैविंग 48 चॉक्स वॉज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग 16 चॉक्स. ओके, वो पर्सन जिसके पास 48 चॉक्स हैं वो कहाँ पर है, वो आपके पास सेकेंड टू द राइट है उस पर्सन से जिसके पास 16 चॉक्स हैं. ठीक, उसके बाद आई हैज मोर देन 30 नंबर ऑफ चॉक्स एंड डू नॉट सिट ऑपोजिट टू बी. ओके, आई के पास क्या है, 30 से ज़्यादा चॉक्स हैं. ठीक है, और वो ऑपोजिट नहीं बैठा है किससे, बी से. ठीक, उसके बाद जे हैव द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स. ओके, जे के पास क्या है, सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स हैं. ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चॉक्स विद के एंड एच टुगेदर इज इक्वल टू द हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स दैट वन ऑफ दीज पर्सन है. ओके, के प्लस एच के पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉक्स हैं वो बराबर किसके हैं, जितनी यहाँ पर हाइएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स किसी एक पर्सन के पास है. ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि के डू नॉट हैव 64 चॉक्स. ओके, के पास 64 चॉक्स नहीं है. ओके, के पास 64 चॉक्स नहीं है. ठीक है, उसके बाद ईदर डी एंड जी बोथ आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स और नन ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स. ओके, या तो डी और जी दोनों ही कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर्स पर बैठे हैं, या फिर दोनों ही कॉर्नर्स पर नहीं बैठे हैं, ये चीज़ होगी. ठीक है, उसके बाद आई एंड के हैव कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ चॉक्स. ओके, आई और के पास कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ चॉक्स हैं. ठीक है, उसके बाद बोथ जे एंड आई, ये आई कर लीजिएगा, बोथ जे एंड आई टुगेदर हैव 126 चॉक्स. ओके, जे और आई दोनों के पास कितनी चॉक्स है, 126 चॉक्स हैं. ओके, उसके बाद पर्सन फेसिंग डी हैव लेस नंबर ऑफ चॉक्स देन हिम. ओके, वो पर्सन जो कि डी को फेस कर रहा है उसके पास लेस नंबर ऑफ चॉक्स हैं किससे, डी से. ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर हैव अ सम ऑफ 100 चॉक्स विद देम. ओके, सिर्फ एक पेयर आपके पास ऐसा है जो कि ऑपोजिट बैठा है एक दूसरे से और उसका जो सम है वो बराबर किसके है, 100 के बराबर है, ओनली वन. ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि बी एंड डी डू नॉट सिट ऑपोजिट टू के. ओके, बी और डी दोनों ही ऑपोजिट नहीं है किससे, के से. ठीक है, उसके बाद पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के डू नॉट फेस एफ. ओके, वो पर्सन जो कि के के इमीडिएट लेफ्ट में है वो किसको नहीं फेस करता, एफ को. ठीक है, उसके बाद पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग 52 चॉक्स हैव लेस चॉक्स देन द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हैविंग 52 चॉक्स. ओके, 52 चॉक्स वाले पर्सन के जो राइट साइड में पर्सन है, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ चॉक्स लेस हैं किससे, जो 52 वाले के लेफ्ट साइड में है. ठीक है, इसके पास क्या है, वो लेस है. फाइन, इतनी आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ आपकी, देखिए यहाँ पर ये गिवन है,
ठीक है, एक कंडीशन और एक कंडीशन आपके पास यहाँ पर गिवन है। अगर हम इन दोनों का यूज़ करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से अगर हम लिखें तो एफ और डी इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो डी और जी इसका रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो G:B इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों से F:D:G:B इसका रेशियो निकालना चाहें तो हमारे पास क्या निकलेगा रेशियो, देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास 4:12:6:2:1। ठीक है, आपके पास ये क्या है, इनका रेशियो आया। अब देखिए आपके पास अगर हम बात करें, हम एक चीज़ जानते हैं ना, E के पास मिनिमम नंबर ऑफ चॉक्स हैं, तो यहाँ पर इनके पास 4 तो चौक हो नहीं सकती है अगर मैं B की बात करूँ। ठीक है, तो इसके पास क्या 8 चॉक्स हो सकती है ना, अगर इसके पास 8 होंगी तो इसके पास कितनी होंगी, 16 होंगी, इसके पास कितनी होंगी, 48 होंगी, और इसके पास कितनी होंगी, 96 होंगी। ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ चॉक्स हैं इनके पास इतनी इतनी होगी, इसके अलावा तो कोई होगी नहीं, मतलब आपको ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए उस टाइम से क्या हो रहा था कि ई और वो पर्सन जिसके पास क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास देखिए हाईएस्ट किसके पास है, एफ के पास है ना, तो ई और एफ ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, और उसने हमसे बोला था कि आपके पास ई और सी ये दोनों ही क्या है, कॉर्नर पर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट कराने की कोशिश करूँ तो कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, हम जानते नहीं है ना कि ई और एफ में से कौन ट्रेंगुलर पर बैठेगा और कौन सर्कुलर पर बैठेगा। अगर इन केस हम ये लेकर चलते हैं कि ई आपके पास कहाँ पर है, वो ट्रेंगुलर पर है, तो देखिए ई आपके पास यहाँ पर कॉर्नर पर नहीं हो सकता तीनों में। ठीक है, ई आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज इसके ऑपोजिट आपके पास एफ नहीं हो पाएगा, तो ई के लिए सिर्फ एक ही तो कंडीशन बनेगी ना कि ई यहाँ पर हो आपके पास, एफ यहाँ पर हो आपके पास। ठीक है, ई के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी है, वो है 4, क्योंकि उसके पास ही तो मिनिमम है ना, इजंट इट। उसके बाद अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो एफ़ के पास कितने हैं, 96। ठीक है, यही होगा। फिर उसने हमसे पॉइंट एक बोला था क्या कि आपके पास देखिए ई के सेकेंड टू द राइट आपके पास क्या सी है, मतलब क्या इस कंडीशन के हिसाब से ये सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, फाइन। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बी की, हम बी को कहाँ पर पुट कराएंगे, उसने हमसे क्या बोला था, देखिए अगर हम इन सब कंडीशन को जोड़ना चाहें, इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को, तो देखिए सबसे पहले क्या ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, बी के पास कौन है, एफ है, मतलब क्या या तो बी आपके पास यहाँ पर हो सकता है या फिर बी आपके पास यहाँ पर हो सकता है। अगर इन केस बी यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये सब कहाँ देख रहे हैं, देखिए अंदर की तरफ देख रहे हैं। उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे ये चीज़ बोली थी कि बी कहाँ पर है, देखिए सेकंड टू द लेफ्ट है उस पर्सन से जो कि फेस किसको कर रहा है, 20 को फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेकंड टू द लेफ्ट ये किसका होगा, इस पर्सन के होगा, और ये फेस किसको करेगा, 20 वाले को, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ क्या कि ये आपके पास सी के पास नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास पॉसिबिलिटी इधर नहीं हो सकती, तो बी आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा। इन केस अगर मैं बी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो देखिए आप 20 को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, ये सेकंड टू द लेफ्ट किसके, इस पर्सन के, मतलब आपके पास 20 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, एच की, तो देखिए उसने हमसे एक पॉइंट बोला था कि एच किसके ऑपोजिट है, उस पर्सन के ऑपोजिट है जिसके पास एच से हाफ नंबर ऑफ क्या है, चॉक्स हैं। तो यहाँ पर बी के पास कितनी है, बी के पास तो 8 चॉक्स हैं। अगर मैं एच को पुट करना चाहूँ, मैं एच को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ क्या, अगर इन केस मैं एच को यहाँ पर पुट कराऊँगा तो एच के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी हो जाएंगी, देखिए 16 हो जाएंगी। ठीक है, और अगर एच के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी होगी, 16 हो गई, इन दैट केस उस टाइम से क्या बोला था कि एच और के पास टोटल नंबर ऑफ चॉक्स कितनी है, हाईएस्ट के बराबर है, मतलब कि आपके के पास कितनी नंबर ऑफ चॉक्स हो जाएंगी, हाईएस्ट आपके पास 96 है ना, तो के पास हो जाएंगी 80। ठीक है, अगर इन केस के पास 80 हो जाएंगी, उस टाइम से क्या बोला था कि के और आई के पास कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ चॉक्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई के पास कितनी चॉक्स हो सकती हैं, या तो 84 होंगी या फिर 76 होंगी, यही दोनों तो होंगी ना। और उसने एक और पॉइंट हमसे बोला था कि आई और जे के पास टोटल नंबर ऑफ चॉक्स कितनी है, 126 है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जे के पास कितनी नंबर ऑफ चॉक्स हो जाएंगी, देखिए अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, या तो वो 42 हो जाएंगी या फिर वो 50 हो जाएंगी। लेकिन उससे हमसे क्या बोला था कि जे के पास सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ क्या है, चॉक्स है, तो ये तो इसकी पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एच 16 नहीं हो सकता, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो एच आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, फाइन।
फिर एच आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, बिकॉज अगर एच यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएंगी, और 10 4 के मल्टीपल में तो है नहीं, वो नहीं हो सकता। एच आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज अगर एच यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऑपोजिट क्या है, 20 है, तो एच के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी हो जाएगी, 40, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एच आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, एच आपका यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज एच के के पास नहीं है, उसने हमसे यहाँ पर बोला है। ठीक है, फिर आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन बची जहाँ पर आप एच को पुट करा सकते हैं, वो है यहाँ पर। ठीक है, आपने एच को यहाँ पर पुट कराया। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, उसने हमसे बोला था कि वो पर्सन जिसके पास 16 चॉक्स हैं उसके सेकंड टू द राइट क्या है, 48 है। 16 चॉक्स किसके पास है अगर हम यहाँ से देखें तो, जी के पास है, और 48 किसके पास है, डी के पास है। मतलब क्या, जी के सेकंड टू द राइट के पास क्या होगा, 48 होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, आप जी को और डी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, सिर्फ यहीं पर तो पुट करा सकते हैं ना, इजेंट इट। और डी के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितने हैं, 48 हैं। अगर डी के पास 48 है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एच के पास कितनी होनी चाहिए थी, 96। लेकिन 96 तो हो नहीं पाएगी, ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्या कि आप ई को ट्रेंगुलर पर नहीं बिठा सकते, बिकॉज इसके अलावा मैं और कहीं ई को पुट करा नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये आपके पास कंडीशन गलत हो गई। अब हम क्या करते हैं, ई को सर्कुलर पर बिठाने की कोशिश करते हैं, तब देखिए आप ई को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। क्या आप ई को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, अगर इनकेस मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उसने हमसे एक पॉइंट बुलाया क्या, कि के के जो इमीडिएट लेफ्ट में पर्सन है, ठीक है, वो किसको फेस नहीं कर रहा है, एफ को फेस नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, के के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो तो एफ को फेस कर रहा है ना, इसलिए ये कंडीशन तो आपके पास बन नहीं पाएगी। ठीक है, फिर आपके पास ई यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर इनकेस मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ, एफ को यहाँ पर पुट कराता हूँ, तब देखिए। ओके, अगर मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ई के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी है, 4 है। एफ के पास कितनी है, 96 है। ठीक है, फिर अगर हम सी को पुट कराना चाहते हैं तो सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर मैं बी को पुट कराना चाहता हूँ तो या तो मैं बी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ या फिर मैं बी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ। ठीक है, अगर इन केस में बी को यहाँ पर पुट कराऊंगा तो देखिए, ये सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो बी किसके सेकंड टू द लेफ्ट होगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट होगा। ठीक है, फिर ये पर्सन का इसके पास कितने नंबर ऑफ चॉक्स होंगी, 20 होंगी। लेकिन सी के पास जो पर्सन है उसके पास 20 नंबर ऑफ चॉक्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर बी तो आ नहीं सकता है। तो बी आपके पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर बी यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली ये किसके सेकंड टू द लेफ्ट है, इसके, मतलब यहाँ पर कितनी होंगी आपके पास नंबर ऑफ चॉक्स, 20 होगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, जी और डी की, अगर मैं बात करूँ जी और डी की, तो देखिए आप जी और डी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप बाहर तो कहीं पर पुट करा नहीं पाएंगे, इजंट इट। अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही पर्सन है ना, आप सिर्फ यहीं पर तो पुट करा सकते हैं ना, कि जी आएगा यहाँ पर और डी आएगा यहाँ पर। उससे हमसे क्या मना करा हुआ है, कि डी के ऑपोजिट आपके पास क्या नहीं है, के नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी ना। ठीक है, मतलब आपके पास ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर इन केस मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ चॉक्स है 4, एफ को अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ इसके पास है 96, इन दैट केस देखिए आप सी को कहाँ पर पुट कराएंगे, यहाँ पर पुट कराएंगे। फिर अगर मैं बी की बात करता हूँ, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, ये सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। अगर इन केस मैं बी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, तो ये सेकेंड टू द लेफ्ट किसके, इसके, मतलब क्या, इसके पास कितनी होंगी नंबर ऑफ चॉक्स, 20 होंगी। ठीक है, लेकिन उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या, कि आई और के पास कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ क्या है, चॉक्स है। अगर आई और के पास कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ चॉक्स हैं, इसके पास 20 है, तो आई के पास कितनी हो सकती है, या तो 16 हो सकती है या फिर 24 हो सकती है। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आई के पास नंबर ऑफ चॉक्स कितनी है, वो 30 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर तो आपके पास 20 नहीं हो सकता। तो मतलब क्या, बी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, अगर बी यहाँ पर नहीं हो सकता तो बी आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, ये किसके सेकंड टू द लेफ्ट है, ये आपके पास इस पर्सन के सेकंड टू द लेफ्ट है। ठीक है, मतलब क्या, इसके पास कितनी नंबर ऑफ चॉक्स होंगी, 20 होंगी। इन दैट केस देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जी और डी की, तो देखिए आपके पास जी और डी अंदर तो आ नहीं सकते हैं, बिकॉज उस टाइम से ये वाला था, या तो दोनों के दोनों कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है, या फिर दोनों ही क्या कॉर्नर्स पर नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पर अंदर देखें तो आपके पास ट्रायंगल में तो हम बना नहीं पाएंगे ना जी और डी को, तो आपके पास जी और डी कहाँ पर आ सकते हैं, सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, कि जी आपके पास यहाँ पर आएगा और डी आपके पास यहाँ पर आएगा, यही तो बन सकता है ना। लेकिन उसने हमसे एक पॉइंट बोला था क्या, कि पर्सन फेसिंग डी हैव लेस नंबर ऑफ चॉक्स देन डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर तो डी तो किसी को फेस ही नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मतलब आपके पास ई और एफ को यहाँ पर भी पुट नहीं करा सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचती है यहाँ पर इनको पुट कराने की, तब देखिए। ओके, अगर इन केस मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इसके पास नंबर ऑफ चॉक्स 4, और एफ को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इसके पास कितनी, 96। ठीक है,
अगर मैं सी को पुट कराना चाहता हूँ तो सी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर मैं बी की बात करता हूँ तो मैं बी को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, देखिए अगर इन केस मैं बी को यहाँ पर पुट कराऊंगा, ठीक है, ये सेकंड टू द लेफ्ट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा, फिर ये आपके पास 20 हो जाएगा जो कि हो नहीं सकता है, वो सी के पास हो जाएगा। इसका मतलब बी कहाँ पर होगा, आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है, और बी सेकंड टू द लेफ्ट किसके है, देखिए इसके मतलब इसके पास कितनी चॉक्स होंगी, 20 होंगी, ठीक, इसके पास कितनी चॉक्स हैं, 8 हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एच की, तो हम एच को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए एच को मैं यहाँ पर नहीं पुट करा पाऊंगा बिकॉज एच के पास 16 चॉक्स हो जाएंगी। एच को मैं यहाँ पर नहीं पुट करा सकता हूँ बिकॉज उसके पास 40 हो जाएंगी, ठीक है, बाकी मैं एच को यहाँ पर नहीं पुट करा सकता हूँ क्योंकि वो के पास नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि आप एच को यहाँ पर पुट करा दें। अगर इनकेस मैं एच को यहाँ पर पुट करा देता हूँ तो आपके पास जी और डी के लिए सिर्फ ये पोजीशन बचेगी कि जी आपके पास यहाँ पर आएगा और डी आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से देखिए डी के पास कितना, 48 है, तो इसके पास तो 96 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एच सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ सकता है यहाँ पर, तब देखिए। अब अगर मैं एच को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो वही कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, क्या कि एच के ऑपोजिट के पास क्या है, इससे हाफ है, मतलब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एच प्लस एच प्लस टू इक्वल टू इसके 96 के, तो यहाँ से ये कितना आएगा आपके पास, 32 आएगा, और ये कितना आएगा आपके पास, 64 आएगा, ठीक है। अब अगर हम पुट कराने की कोशिश करते हैं किसको, जी और डी को, तो हम इनको कहाँ पर पुट करा सकते हैं, या तो आप जी को यहाँ पर और डी को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, एक कंडीशन, या फिर अगर मैं एकदम सिमिलर इसकी बनाना चाहूँ, ओके, और अगर सेकेंड कंडीशन में बनाना चाहता हूँ, अगर हम जी और डी को अंदर पुट कराते हैं तो जी आपके पास यहाँ पर आएगा, डी आपके पास यहाँ पर आएगा, फाइन। अब देखिए आपके पास अगर हम बात करें तो क्या क्या रह गया, आपके पास ए रह गया, आई रह गया और जे रह गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें आपके पास आई के पास कितनी हो सकती है, के पास 32 हैं तो ऑब्वियसली आई के पास कितनी होंगी, 36 होंगी, और अगर आई के पास 36 है तो जे के पास कितनी होंगी, 80 होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से देखिए, आप जे को यहाँ पर तो पुट करा नहीं पाएंगे बिकॉज उसने हमसे क्या बोला था कि सिर्फ ए के आपके पास पेयर ऐसा है जो कि क्या बना रहा है, 100 बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें ये पेयर आपके पास 100 बना रहा है ना, तो आपके पास जे यहाँ पर तो नहीं आ सकता है क्योंकि जे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर ये 100 बना लेंगे, ठीक है, तो जे आपके पास यहीं पर आ सकता है और आई आपके पास यहीं पर आ सकता है, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, उससे हमसे ये कंडीशन बोली थी ये वाली कि 52 जिस पर्सन के पास भी नंबर ऑफ चॉक्स हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 52 ये आपके पास कितनी 16 है, ये आपके पास कितनी 48 है, उस पर्सन के राइट में जो नंबर ऑफ चॉक्स हैं वो क्या है, वो लेस है किससे, जितनी नंबर ऑफ चॉक्स उसके लेफ्ट में। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए इसके लेफ्ट में तो क्या है, वो कम है ना, ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए जी के पास कितनी है, 16 है, डी के पास कितनी है, 48 है, ठीक है। फिर अगर हम सिमिलरली बात करते हैं क्या आपके पास, देखिए ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं आई और जे की बात करते हैं, ये आपके पास कितने 32 है, तो आई और जे आपके पास कहाँ पर पुट हो सकते हैं, सिर्फ यहीं पर तो पुट हो सकते हैं ना, ये सी के पास 52 हो जाएगा और आई के जो राइट में है वो कम है, इसका मतलब आई क्या हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा और जी आपके पास कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पजल समझ में आई होगी जिस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।